उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लौहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। देखिए, राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनलगल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे, संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1,00,000 रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं, वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या सच नहीं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या
अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पजेशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी।